गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ ऋषिराज सत्यनारायण, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई सारी अपडेट सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नागिन सिक्स के बारे में। जो नागिन सिक्स का जो अब तक 6 एपिसोड आ चुके हैं, और जो आज है सैटरडे को इसका जो 7th एपिसोड है वो टेलीकास्ट होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 7th एपिसोड है उसमें क्या खास देखने को मिल सकता है। हमने प्रोमो में देखा है जो प्रथा है, जो शेष नागिन सर्वशेष नागिन प्रथा है वो ऋषभ से शादी करेंगी। जो देश के दुश्मन है, जो ऋषभ के जो पिता है जो ललित है, वो एक देशद्रोही है, और उसको मारने के लिए जो प्रथा है वो शादी कर रही है। और जो उस घर में और बहुत सारे असुर है, जो 20 असुर में से और कोई असुर उस घर में है, इसलिए प्रथा शादी कर रही है। और जो ये एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा जो ललित है उसको जो प्रथा है वो मारने वाली है। हमको एपिसोड में देखने को मिलेगा जो ललित है वो शेषनागिन महक को घेर लेती है सपेरों के बीच में, तभी जाती है प्रथा, और प्रथा अपने असली रूप में आ जाती है, अपने नागिन रूप में आ जाती है और एक गोल्डन नागिन बन जाती है। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, और वो बोलती है कि वो ही एक नागिन है, और उसके बाद वो ललित को मार देती है। और फिर हमको पता चलेगा कि जब वो प्रोफेसर शेषनागिन को बुला रही थी, तब शेषनागिन खुद नहीं आई थी, शेषनागिन के साथ सर्वशेष नागिन भी आई थी, लेकिन वो सबके सामने नहीं आ रही थी और वो सबको देख रही थी कौन है असुर, और वो ही जो महक है उसको गाइड कर रही थी बदला लेने के लिए। तो ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। ऋषभ और प्रथा की शादी भी देखने वाली बात होगी, और उसके जो दूसरा असुर ललित उसको भी प्रथा मारने वाली है। तो आप कितना एक्साइटेड है देखने के लिए एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए खाने को जो है उसके किसी को देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।